भागता का कमी ने खैर ये चाह दादा सच सच बता दे कि तुम लोगों किसने भेजा था। बताता हूँ तो मुझे 5,000 रुपए दिए थे क्या तुमको बदनाम करने के लिए। और रूपा उसका तो धंधा ही यही है। मेरे कहने पर रुपयों के लिए उसने सन्नाटक किया था। देखा का लिया कौन सा ये रही बेचारी रूपा। अब इस गरीब लड़की का क्या होगा? इस जालिम जमाना इसकी इज्जत लूटने के बाद इसको जीने देगा? क्या मैंने जो कुछ सुना है वो सच है? तुम भी जानना चाहती हो क्या वो मेरे चेहरे पर लिखा नजर नहीं आता? मुझे थोड़ा सा जहर ला दो, मैं भी जान देकर इस जिल्लत की जिंदगी से छुटकारा पाना चाहती हूँ। तुम एक औरत हो, दूसरी औरत की तुमको समझती हो। उस आनंद में मैं जीना नहीं चाहती, मैं मरना चाहती हूँ। मुझे जहर ला दो, मुझे जहर ला दो। अब आप यहाँ से जाइए। जब ये रोने लगती है तो बड़ी मुश्किल से चुप होती है, और अब इस गरीब के पास आंसू के सिवाय रहा ही क्या है? आए हो यहाँ? तुम ये बताने की जो कुछ भी मैं सब जान चुकी हूँ, सब देख चुकी हूँ, सब सुन चुकी हूँ। All the dirty details। काजल, प्लीज तुम तो समझने की कोशिश करो। मैं पागल थी जो तुम्हें अपना समझा, तुमसे प्यार किया, भविष्य के सपनों की डोर तुमसे बांधी। तुम्हारे लिए तो मैं ये सब कुछ छोड़ने का फैसला कर चुकी थी। नहीं आनंद, तुम चले जाओ यहाँ से। जो कुछ मैंने देखा, मैंने सुना, क्या वो गलत है? जो दुनिया कह रही है, पेपर्स कह रहे हैं, झूठ है क्या? बोलो, जवाब दो। हाँ, सच मानो ये झूठ है। सच झूठ का फैसला तो तुमने उस नीच हरकत के साथ ही कर दिया था। तुम तो इस लायक भी नहीं हो कि कोई शरीफ लड़की तुम पर अपनी नफरत जाहिर करे। काजल, मैं और भी बहुत कुछ कह सकती हूँ, लेकिन अब यही वक्त मैं तुम्हें भूलने में लगाऊंगी। ये समझूंगी कि तुम मेरी जिंदगी में कभी आए ही नहीं। ये रही तुम्हारी इस महीने की सैलरी प्लस एक महीने की नोटिस पे। कल से काम पर आने की जरूरत नहीं। मगर कुछ नहीं, ये एक रिस्पेक्टेबल एस्टेब्लिशमेंट है और यहाँ पर इज्जतदार लोग आते हैं। गेट आउट एंड रिमेन आउट। देखो भैया, हमार कहा मानो तो इस जग्गा छोड़ दो। क्यों काका? बहस मत करो,
आज है, चले जाओ यहाँ से। अरे आज ही चले जाने वाले गए तेल बेचने, क्यों चले जाएं, क्यों चले जाएं? अम्मू खुलवा ही रहे हो तो सुन लो, ये मोहल्ला में बहु बेटी वाले लोग रहते हैं, उन लोगन का ऐतराज है। अरे काका तुम ये मानते हो कि आनंद ने ऐसा किया होगा? हमारे माने न माने से कौन फर्क पड़ा था, और फिर हम ये कैसे मान लें कि सारा मोहल्ला ही झूठ बोला था? सारा मोहल्ला नहीं काका, रूपा झूठ बोलती है। हम बात करे नहीं आए, सीधी तरह नहीं गए तो मोहल्ले वाले निकाल बाहर करेंगे। अरे मकान मालिक से कहो कोर्ट कचहरी करे, जब 30,000 से ऑर्डर आ जाएगा तब चले जाएंगे। चल आनंद। नहीं बोला, बेकार की बातों में क्या फायदा, कल तक यही लोग थे जो हमें अपने सुख दुख हंसी खुशी में शरीक किया करते थे, आज इन लोगों की आंखों में हमारे लिए सिवाय नफरत और गुस्से के कुछ नहीं। इतनी नफरत गुस्से में रहकर क्या करेंगे, छोड़ दो। क्या बदतमीजी है, तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? हिम्मत तो बहुत है, और यही बताने के लिए यहाँ तक आया, जो नीच हरकत तुमने मेरे साथ की है उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। ओ, तो तुम्हें मालूम पड़ गया, मोहब्बत और जंग में हर चीज जायज है। जीतने वाले से कोई ये नहीं पूछता कि वो कैसे जीता। ना तो मुझसे कोई जीता है विनोद साहब, और ना ही मैं हारा हूं। एक बात कान खोल कर सुन लो, अब मेरी शादी होगी तो तुम्हारी बहन काजल से, और दुनिया की कोई ताकत इसे रोक नहीं सकती। तुमसे जो हो सकता है कर। ये क्या हो रहा है भाई, कहाँ जाने की तैयारी है? मुंबई। अच्छा, तो तुमको मालूम हो गया कि काजल और सब लोग बंबई चले गए हैं। दोस्त मेरी एक बात सुनो, हम लोग गरीब लोग हैं, उनका मुकाबला नहीं कर सकते, जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ प्लीज। कैसे भूल जाओ, कैसे भूल जाओ उस बेइज्जती को, उस इल्लत को, जब तक उनसे बदला नहीं लूंगा क्या नहीं मिलेगा मुझे। मगर तुम किस चीज से बदला लोगे यार, मालूम है कुल पूंजी हमारे पास 300 रुपए है। तुम्हें याद है कश्मीर में मुझे एक सेठ मिला था जो मुझे एक ब्लैंक चेक दे रहा था जिसके अकाउंट में 70 लाख रुपए थे। ओहो, सेठ नारायण दा, वो तो तुमको कब का भूल चुका होगा यार। अब मालूम क्या जानता है, क्या मिला था ना से, मुंबई बहुत बड़ा शहर है, कुछ भी कर लूंगा मगर इन लोगों को नहीं छोड़ूंगा। लेकिन तुमने माँ और कल्पना को यहाँ बुलाया है? माँ मेरे खत लिखती है क्या है, बाकी तुम ख्याल रखना। अजीब आदमी है यार। अरे भोला, आनंद का खत। अरे आनंद का खत तो माजू को लिखा था, ये वापस कैसे चला है? इसका मतलब भोलो बाने तो फिर कहां गए भालू? फरमाइए। मैं आनंद की माँ हूँ, वो यही काम करता है। करता था लेकिन अब उसको यहाँ से निकाल दिया गया है। निकाल दिया? पर वो घर पर भी नहीं, कहाँ होगा? ए कौन हो तुम, यहाँ किस लिए आए? जी जी, क्या वो जाओ यहाँ से निकलो। कैसे बात करते हो, तमीज देखे आपने? हमको तो नहीं सिखा जाएगा, चलो निकल यहाँ से, झट से पहुँच जाइए यहाँ से। अरे अनिल बाबू,
क्या हुआ? जी कुछ नहीं, पांव स्लिप हो गया। तुम यहाँ? दरअसल मैं ऑफिस से ले आया था। आओ आओ अंदर आओ। माँ ये गोली लाई हूँ, चाय के साथ खा लो, बुखार उतर जाएगा। गोली मुझे दे दी और चाय तो पी ले बेटा, तुमने तो कल से कुछ खाया भी नहीं। एक दिन ना खाने से मर थोड़ी जाऊंगी, एक दिन की बात थोड़ी है, पता नहीं आनंद कब मिले। सारा शहर तो छान मारा, हे भगवान क्या होगा। तुम फिक्र मत करो माँ, भैया जब तक नहीं मिलेंगे मैं मेहनत मजदूरी करूंगी। लो ये चाय पियो, मैं अपने लिए चाय लेकर आती हूँ। अच्छा बेटी। एक चाय और दे दो। भैया कोई काम मिल सकता है? मेरी माँ बहुत सख्त बीमार है, हमने दो दिन से कुछ नहीं खाया। अगर कोई काम दिलवा दो तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। अबे ले चलो अपनी अम्मा के पास काम के वास्ते बेटा। अबे ओ, अबे हो गया तेल बेचने। तेल दे